वेलकम एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस पार्ट टू। यहाँ पर आपको पार्ट वन के जो क्वेश्चंस थे उससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 4m+3=18। 4 ब्रैकेट m+3 का मतलब है 4 टाइम्स और 4 multiplied by m+3। हम बोर्ड मास का रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हुए ऑपरेशंस को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को हम सबसे लास्ट में रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट के साथ कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का अपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन। तो 4 को हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट साइड में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रह जाएगा m+3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 18/4 को कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं देखिए एक बार। 18/4, दोनों को ही हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा 9/2। तो इस तरह से इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आ गया है 9/2। अब वेरिएबल m के साथ +3 कनेक्टेड है, और +3 को हटाने के लिए हमें एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन जो कि सब्ट्रैक्शन है वो करना होगा। तो इक्वेशन m+3=9/2 को आगे सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल m को सेपरेट करने के लिए, हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ -3 करेंगे, या हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे m+3 और राइट हैंड साइड में 9/2, और दोनों ही तरफ हमने -3 किया। लेफ्ट हैंड साइड में +3 -3=0, तो आ जाएगा m=9/2 -3/1। 9/2 -3/1=9 -6/2=3/2। इस तरह से m=3/2 आ गया है। हम लिखेंगे therefore the solution of the equation is m=3/2, और इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 1, 6 y-2=20। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 2+x=8। -4 और (2+x) के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है डिवीजन। तो हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ -4 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। -4 (2+x) = 8। अब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में -4 से डिवाइड कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में भी -4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें -4 को हटाना है सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में -4 से जब हम 8 को कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2+x=2, राइट हैंड साइड में है 8/-4, तो आ जाएगा -2। अभी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 2 कनेक्टेड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ जो 2 है, +2 है, उसे हटाना है।
तो उसे हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ अपोजिट ऑपरेशन यूज करेंगे। एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तो हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ -2 कर देंगे, जिससे +2 और -2 इक्वल हो जाएगा 0 के, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अब रह जाएगा केवल x। राइट हैंड साइड में -2 -2 इक्वल हो जाएगा -4 के। तो x इक्वल्स टू -4 हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू -4। आप सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 2। -3 ब्रैकेट t -2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 + 5 ब्रैकेट p - 1 इक्वल्स टू 34। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे साइन आप देख रहे हो, ब्रैकेट है, प्लस है, और 5 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई साइन भी है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमने जो बोर्ड मास पढ़ा है उसके रिवर्स ऑर्डर में ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस साइन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है +4। तो पहले +4 को हटाने के लिए हमने -4 किया इक्वेशन के दोनों ही तरफ। +4 - 4 इक्वल होता है 0 के। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 5 ब्रैकेट p - 1 इक्वल्स टू 30 आया। अब 5 p - 1 आपस में मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ कनेक्टेड हैं। अब 5 को हटाने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों ही तरफ 5 से डिवाइड करना होगा। लेफ्ट साइड में 5 5 कैंसिल, और राइट साइड में 5 और 30 कैंसिल करने पर 6 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा p - 1 इक्वल्स टू 6। अब p के साथ -1 कनेक्टेड है, उसे हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ +1 कर देंगे। +1 और -1 इक्वल होता है 0 के। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा p इक्वल्स टू 6 + 1 7। हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज p इक्वल्स टू 7। p इक्वल्स टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आंसर। अब आप सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3। 7 + 4 ब्रैकेट a - 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 27। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 6 ब्रैकेट b - 4 ब्रैकेट क्लोज -8 इक्वल्स टू 48। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्निंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल।